एक बहुत बड़ा खतरा ढोलकपुर को ढूंढते हुए आ रहा था। हमारा धुनी उस तरफ है, बस कुछ ही हफ्तों में हम उसके सामने खड़े होंगे। मेरे गुरुजी का तख्ता। धुनी बाबा को अपने गुरुकुल का वो दिन याद आया। प्रचंड योद्धा आ रहे हैं, वो मेरा पता जान चुके हैं। अब मुझे इंद्र वर्मा को इत्तला करके ढोलकपुर की रक्षा के बारे में सोचना होगा। पर अब उन लोगों को मेरा पता चल चुका है और इसे हासिल करने के लिए वो ढोलकपुर की ओर आ रहे हैं। अगर उन्हें ये तख्ता मिल गया तो वो दुनिया के लिए खतरनाक होगा, और अगर नहीं मिला तो ढोलकपुर के लिए बड़ा संकट हो सकता है। बाबा, उन्हें इतना शक्तिशाली तख्ता नहीं मिलना चाहिए। हाँ बाबा, भीम सही कह रहा है, पर हमें ढोलकपुर की सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा। बाबा, ढोलकपुर की पूरी सेना आपके सेवा में है। हाँ बाबा, हम भी हाजिर हैं, सब मिलकर उन्हें रोकेंगे। आप आदेश दीजिए बाबा, हमें क्या करना होगा। पता नहीं उनके सामने पूरी सेना भी टिक पाएगी या नहीं। बाबा, एक योद्धा कभी चुनौती को नहीं ठुकराएगा। जब वो ढोलकपुर आएंगे, हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। जीत गए तो तख्ता उनका, और अगर हार गए तो खाली हाथ वापस चले जाएं। बढ़िया सोच है चुटकी। बाबा, हम उन्हें चुनौती जरूर देंगे। बूढ़े हो गए हो। हाँ। तो तुम्हें पता चल ही गया कि हम आ रहे हैं। हाँ, पर भुजंग, तुम वो पाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। कौन है मुझसे ज्यादा लायक इस दुनिया में? गुरुजी के पास वो तख्ता नहीं होता तो मैं गुरुजी को भी हरा देता। भुजंग के मन में पहले से ज्यादा विष भर गया है, अब वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अब बोलो, चुनौती मंजूर है? ठीक है, तैयार हो जाओ। और भी हम सब दोस्तों का प्यार तुम्हें ये लड्डू के रूप में शक्ति देगा। लड्डू। वाह। विश्वास तोड़ने वाला हूं। भीम! तुमने सुना भी नहीं होगा, अगर कम है तो इसका सामना करो। ये कैसा वार है? देखा, ये
मुकाबला अब खत्म हो चुका है। तोड़ दिया मैंने तुम्हारे योद्धा को और तुम सबके विश्वास को। कैसे हो सकता है? तख्ता भुजंग के पास कैसे जा सकता है? समय आने पर कुदरत खुद ही इसे सही योद्धा के पास पहुंचाएगी। भुजंग, मैं अभी मैदान में ही हूँ। सही कहा तुमने, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आओ। शिक्षा, गुरुजी के आशीर्वाद और सबके प्यार और दुआओं की वजह से ही हम इसे बचा पाए हैं बाबा। अब ये तख्ता सुरक्षित है। असली विजय वही है जबकि कोई अपनी जीत में सबका सहयोग और भला देख पाता है। तुमने आज वही किया है। जीते रहो भीम, जीते रहो। भीम, आज तुम्हारी बहादुरी ने ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी धैर्य और साहस रखने की प्रेरणा दी है। तुम ढोलकपुर ही नहीं पूरे भारत के लिए मिसाल हो। अजय रहो भीम, अजय रहो। सुबह सुबह ये अजीब से दृश्य, बस कोई बुरा सपना था या कोई चेतावनी? भीम, भीम। भीम को देखा क्या? सुनो, भीम को देखा क्या? मेरी बारी है। ये बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। सब बच्चे मिलकर जन्माष्टमी के लिए नाटक तैयार कर रहे हैं। लीजिए बाबा, ताजा लड्डू खाइए। मेरा भीम से मिलना बहुत जरूरी है, इसी समय, इसी वक्त। इतनी क्या जल्दी है बाबा, ये दुनिया थोड़ी खत्म होने जा रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। क्या जन्माष्टमी नाटक सभा? नाटक में जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है एक नाटक, स्टेज लगाने का इंतजाम, पोशाकें और सामान, नाटक का लोगों में विज्ञापन प्रचार और क्या? कृष्ण के किरदार के लिए एक सुंदर सी बांसुरी
और बांसुरी को सुंदर बजाने के लिए बहुत सारा अभ्यास। सबसे पहली बात, नाटक में कृष्णा कौन बनेगा भला? मैं बनूं। सोच लो उस्ताद, कान्हा का रोल लिया तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उस्ताद, फूक फूक के बांसुरी बजाना सीखोगे? गला सूखेगा, गाल होंठ सब थकेंगे। मैं कह रहा था, हम में से सिर्फ भीम को ही थोड़ी बहुत बांसुरी बजानी आती है, तो कृष्ण का रोल भीम को ही करना चाहिए। मैं तो आराम से पेड़ की छांव तले बैठकर नाटक लिखूंगा। और ढिंढोरा पीटने का काम हम पर छोड़ दो। इतना जोरदार प्रचार करेंगे कि नाटक होगा सुपर हिट, हाउसफुल। मैं और चुटकी पोशाकें तैयार कर लेंगे। और हम स्टेज की सजावट। तो फिर तय रहा, चलो तैयारी करते हैं। हाँ, चलो 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 ढोलू बोलो। क्या लिखूं? कितना समय हो गया, कालिया उस्ताद कुछ लिख ही नहीं रहे, बस हवा में घुरे जा रहे हैं। लगता है बेचारे कुछ लिख ही नहीं पा रहे। उस्ताद, हम कुछ मदद करें? तुम लोग जाओ यहाँ से, लिखने के लिए मुझे एकांत चाहिए। अभी बाजार से ला देते हैं। कितना चाहिए उस्ताद? एकांत मतलब मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, वरना हम तो मदद कर रहे थे, भलाई का तो जमाना ही नहीं। तैयारी कैसे चल रही है? बाकी सब हो गया, पर हमें कान्हा के लिए मोर का पंख नहीं मिल रहा। तुम्हें कहीं दिखे तो बताना। जरूर जरूर राजकुमारी। उस्ताद तो वैसे भी कुछ लिख नहीं रहे, चलो वो पंख ले लेते हैं, राजकुमारी इंदुमती खुश हो जाएंगी। चला भैया, और भी काम है।
क्या बांसुरी बजा रहा है। सुंदर अति सुंदर। लो हम बेकार ही परेशान हो रहे थे, भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजा रहा है कि लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप ही खींचे चले आएंगे। यूं लग रहा है मानो बांसुरी का संगीत कोई बिना शब्दों की भाषा है जिसे हर कोई सुन और समझ लेता है। का तो किसी काम का नहीं है। मुझे डराओगे? अब मेरी बारी है तुम सबको डराने की। देखो देखो ये लगती तो जैसे नाच रहा है। तुम्हारा लट्टू तो कमाल का है। हाँ ये क्या हो रहा है? चुड़ैल ने गांव पर हमला कर दिया है और उसके पास बिजुकों की पूरी सेना है। वहीं रुक जाओ। इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते भीम। जाओ खत्म कर दो उसे। जादू का मुकाबला जादू से करो तो सारी मुश्किल हल हो जाएगी। इस गदा से इन्हें तोड़ दो तो फिर ये जुड़ नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सेना तो खत्म हो गई, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भीम, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं फिर से आऊंगी। शाबाश भीम, एक बार फिर तुमने ढोलकपुर पर आई मुसीबत को टाल दिया। हमें तुम पर नाज है। शुक्रिया महाराज, लेकिन ये काम मैं अच्छी चुड़ैल की मदद के बिना नहीं कर पाता।
हाँ महाराज, उन्होंने सही समय पर आकर हमारी मदद की। तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया भीम। तुम्हारी वजह से ही ये कबीला आज जकून के चंगुल से आजाद हो सका है। पापा जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? वो डाकू शेर सिंह पूरी की पूरी नदी बंद करके बैठ गया। डाकू शेर सिंह तो एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब पगड़ी नगर के भविष्य के लिए मैंनो कुछ अलग ही सोचना होगा। अरे पापा जी, मैंनो एक चंगा इलाज पता है इन शेर सिंह जैसे बदमाशों का। कौन है वो? आप जानते हैं उसे? अरे अपना भीम। हाँ, अपना भीम। मैं अभी ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा को चिट्ठी लिखता हूँ। ओए भीम, कैसा है? हम काफी खुश हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए। शेर सिंह ने सबको परेशान कर रखा है। ललन, हम सबको ले चलो उस नदी तक। हम भी देखें कौन है ये शेर सिंह। शेर सिंह की इस चट्टान की दीवार ने हमारी नदी को रोक रखा है। हम सब मिलके इसे तोड़ देते हैं। वहीं पर रुक जा। क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटे से प्यारे से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। खेल ये होगा कि अगर तुम मुझे 3 मुकाबलों में हरा दोगे तो मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा और नदी तुम्हारी। तो तुम तैयार हो बच्चे? हाँ, मैं तैयार हूँ। भीम, दांत खट्टे कर दो ये शेर सिंह के। तूने तो दिल जीत लिया शेर सिंह का। एथ्या होए। हाय, ये तो गजब हो गया। और सारे के सारे जाओ, खोल दो नदी, बहने दो इस नदी को। क्यों, अब तो मैंने नदी खोल दी है? अब तो मैं सच्चा पंजाबी हूँ कि मैं झूठ बोल लिया? कोई ना। प्रणाम महाराज। इनसे मिलो, वासी के बंजारों के सरदार। जकून, इन बंजारों का कबीला उत्तर पूर्व के वासी प्रांत के सबसे पुराने कबीलों में से एक है। मुझे उस मंदिर का रास्ता बता ही रहे थे कि अचानक मैंने देखा कि कोई हमारी बातें सुन रहा था। वो था रेंको, एक निर्दयी बेईमान शिकारी जिसे कबीले से अपने गुनाहों के लिए निकाला गया था। रेंको ने मुझ पर हमला कर मुझे बेहोश किया और जब तक मुझे होश आया, सरदार सापा और तावीज गायब। यकीनन उस रेंको के हाथों, क्योंकि
उसने भी जान लिया था कि तावीज वहीं छिपी है। भीम, जकून और उनके कबीले को तावीज खोने पर कई तकलीफें झेलनी पड़ी। हमने राजा इंद्रवर्मा की उदारता और तुम्हारी दिलेरी के कई किस्से सुने हैं भीम। ढोलकपुर यही आशा लेकर आए थे कि तुम हमारी मदद करोगे। ठीक है, मैंने निश्चय कर लिया है। भीम, तुम ही जकून के साथ जाओगे। जाओ भीम, इन बंजारों को अपनी खोई किस्मत लौटाओ। जी। सामान सकून थोड़े से अजीब है। थोड़े क्यों हैं? थोड़े क्यों? पूरे ही कह लो। नहीं, सच में मुझे तब से ऐसा लग रहा है जब से वो इस बात पे अड़े थे कि भीम ही उनके साथ आए। वो तो इसलिए क्योंकि भीम से बढ़कर कोई नहीं। शुक्रिया राजू, पर ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। बस करो। भीम किधर है? के साथ हो? मैं इसका रक्षक हूँ। चुप ही रहा। जाकून ने उसे मार देने की धमकी दी। मैं चुपके से सब सुन रहा था। मुझसे और रहा नहीं गया। मैंने जाकून का सामना किया। गुस्से में आकर जाकून ने मुझे अपनी नफरत की सीमा दिखाई, जिसकी निशानी आज भी मैं लेकर चल रहा हूँ। इसका मतलब कबीले का असली दुश्मन जकून था, तुम नहीं। मैं तावीज की रक्षा अब और नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से तुम इसके रक्षक बनो। इसका क्या ये वासी के कबीले का जीता जागता जादुई तावीज? तावीज था या जादू का पिटारा, बंजारों को था जान से प्यारा। उसके खोने से बहुत बढ़िया, मुझे बस यही सुनना था। मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। वरना क्या? लड्डू का शौकी।